नमस्कार दोस्तों, जो ब्लर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है आपको किसी को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो कि आपके लिए लेके आए हैं जी HRRL की तरफ से, यानी कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी की तरफ से बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी की पूरी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये देख सकते हो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी, जो कि आपको देखने को मिल रही है। ये जो पेट्रोलियम की रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी की ये नोटिफिकेशन है। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं जी इसकी डिटेल के बारे में थोड़ी सी, ठीक है। बाकी आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी बात कर लेंगे। मेन बात यहाँ पर कितनी पोस्टें निकली हुई हैं HPCL रिफाइनरी राजस्थान रिफाइनरी की, HRRL की 46 पोस्टें हैं जी, ठीक है जी। 46 पोस्टें हैं टोटल में, 46 पोस्टें हैं। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल करेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो बताते हैं। 24 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल से अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुका है, आप अप्लाई कर पाओगे। और 15 मार्च अप्लाई करने की इसकी लास्ट डेट है, और इसमें कोई भी किसी भी कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है, किसी भी कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है, ठीक है जी। बात कर लेते हैं इसके बाद कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। और पहले है जी पोजीशन एंड वैकेंसीज। वैकेंसी की बात करें तो पे स्केल की बात करें 80,000 से लेकर 2,20,000 तक पे स्केल बहुत अच्छा है E5 का। उसके बाद E6 की बात करें तो 90,000 से लेकर 2,40,000 तक पे स्केल है E5 और E6 पोजीशंस हैं, पोजीशंस के हिसाब से देख सकते हो। मैक्सिमम एज की बात करें E5 में आपकी मैक्सिमम एज आपकी 42 साल होनी चाहिए, और E6 में 46 साल मैक्सिमम एज चल जाएगी। और एक्सपीरियंस की बात करें E5 में आपका एक्सपीरियंस 12 साल और E6 में एक्सपीरियंस 15 साल। यानी कि मेन बात कर लेते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस आप नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नहीं हो पाओगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब बात करते हैं पोस्टों की, कौन कौन सी पोस्टें हैं जी। सिविल की पोस्ट है जी, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और इसमें एक पोस्ट है E5 में और इसमें एक पोस्ट ही E6 में है। ये ग्रेड है जी इनकी अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करें 3 पोस्टें जी E5 के, एक पोस्ट है E6 की। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 2 पोस्टें हैं E5 की, एक पोस्ट है E6 की, ये टोटल में आपको देखने को मिल जाएंगी। मैकेनिकल की बात कर लेते हैं तो इसमें इंस्पेक्शन और रिलायबिलिटी की आपकी 2 पोस्टें हैं E5 की और E6 की एक पोस्ट है। मेंटेनेंस स्टैटिक्स की बात करें तो 3 पोस्टें E5 की, 2 पोस्टें E6 की हैं। रोटरी की बात करें तो 3 पोस्टें E5 की, एक पोस्ट E6 की। मेंटेनेंस प्लानिंग की बात करें तो एक पोस्ट सिर्फ E5 की है। प्रोजेक्ट CES की बात करें तो एक एक पोस्टें दोनों में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकेनिकल पेट्रोकेमिकल के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए और स्पॉट फंक्शन के लिए। पेट्रोकेमिकल के लिए इंस्पेक्शन एंड रिलायबिलिटी की E5 की एक ही पोस्ट है, और पेट्रोकेमिकल में स्टेटिक्स की 2 पोस्टें हैं E5 की, एक पोस्ट है E6 की। मेंटेनेंस रोटरी की एक पोस्ट E5, एक पोस्ट E6 की। और मेंटेनेंस प्लानिंग में एक पोस्ट E5 की है। केमिकल की बात करें तो आपकी एक पोस्ट इसमें है E5 में। फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो 2 पोस्टें E5 में, एक पोस्ट E6 में है। स्पोर्टिंग फंक्शन की बात करें यानी कि मैनेजमेंट में भी पोस्टें खुली हैं, यानी कि HR में 3 पोस्टें E5 में है, एक पोस्ट E6 में है। CA की 2 पोस्टें E5 में है, एक पोस्ट आपकी E1 में है, E6 में है। IS की बात करें तो 2 पोस्टें आपकी E5 में है, एक पोस्ट आपकी E6 में है। लो की बात करें और एक पोस्ट आपकी स्पोर्टिंग फंक्शन में, एक पोस्ट आपकी E5 की है, E6 की कोई पोस्ट नहीं है। टोटल में इस तरह 46 46 पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। पे स्केल भी अच्छा है, बट एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा मांगा हुआ है E5 के अकॉर्डिंग, E6 के अकॉर्डिंग, ये देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
अपन पूरी की पूरी किस्त के लिए क्या कुछ मंगा हुआ है। पहले अपन ने पोस्टें देख ली, अब अपन जान लेते हैं मैकेनिकल डिसिप्लिन जो फंक्शन है इनके, जो इन्होंने मैकेनिकल की पोस्टें खोली हैं उसमें मैकेनिकल में डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री इन इंजीनियरिंग में मांगी हुई है मैकेनिकल में, या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री मांगी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में मांगी है। सिविल की बात करें तो इंजीनियरिंग सिविल में मांगी हुई है। केमिकल की बात करें तो इंजीनियरिंग केमिकल में मांगी है। फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी की में इंजीनियरिंग मांगी हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें CA की, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट में मांगी हुई है। ह्यूमन रिसोर्सेज HR की बात करें तो पोस्ट डिग्री आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज में मांगी हुई है। लॉ में बात करें तो आपकी लॉ डिग्री तो मांगी मांगी है, और 5 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस इसमें लॉ डिग्री में, 5 साल का आपका कोर्स होना चाहिए लॉ डिग्री का अगर आपका इसमें है तो। इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो आपकी BTech BE मांगी हुई है। इसमें पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। ये देख सकते हैं ये ऑफिशियली वेबसाइट है जो कि मैंने आपको दिखा दी है। ये सारी की सारी ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। ये ऑफिशियली लिंक है जी, जो कि आपको आपकी ग्रेड वाइज अलग अलग देखने को मिल जाएगा, जो कि 24 फरवरी से स्टार्ट होकर 15 मार्च तक लास्ट पोस्टें हैं, और किसमें कितनी पोस्टें हैं ये कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। ठीक है जी, PWD के कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा डाउन में चलते हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो आपको ये जो मैं आपको बता चुका हूँ आपकी किस किस में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में आपकी होनी जरूरी है। ये तो इंजीनियरिंग फंक्शन की पोस्टें होगी। अदर की पोस्टें चार्टर्ड अकाउंटेंट की और ह्यूमन रिसोर्सेज की, ठीक है जी, ये पोस्टें होगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जूनियर लॉ की, लॉ की आपको पोस्टें मैंने दिखा दी है। और इनों की जो बात मेन है, द सिलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी प्रोबेशन फॉर द 1 ईयर जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, और इन्होंने यही कहा भी 1 साल का ही आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुकी है। राजस्थान में HPCL की 1 साल का ही आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इनकी HRRL के जहाँ पे भी वर्किंग चल रही है वहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग होगी। और सिलेक्शन कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो आपको इनके रूल के अनुसार ही आपकी सिलेक्शन होगी। एग्जाम लेते हैं या नहीं लेते हैं उनका फाइनल नहीं है, बट मेरिट लिस्ट पर डिपेंडेबल करोगे भी आप सिलेक्टेड होते हो या नहीं होते। ठीक है जी, और PWD के कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं ये देख सकते हो। PWD की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं तो 15 मार्च तक आप अप्लाई कीजिएगा, 15 मार्च के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टल ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियली लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी की जो कि लिमिटेड की पोस्टें हैं यहाँ पर देख सकते हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई और डिटेल भी चाहिए हो तो आपको ये हेल्प का एक आइकॉन दिखेगा, आइकॉन पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये हेल्प नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, और किस में हेल्प आपको कर सकते हैं, एप्लीकेशन रीप्रिंटिंग में, पेमेंट स्टेटस में, पेमेंट एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस में, जो जो कैंडिडेट हेल्प लेना चाहते हो वो यहाँ से ले सकते हो। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो इसमें आप कंसर्न कर सकते हो। मेन बात करते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए, आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो आपको मोबाइल नंबर इन्होंने कहीं पर प्रोवाइड नहीं करवाया है। इसकी ऑफिशियली साइट से कॉन्टैक्ट अस पर आकर यहाँ पर ये आपको नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आप कंसर्न कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। मेन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट E6 फायर सेफ्टी की, यहाँ पर E5 की भी फायर सेफ्टी की आपको देखने को मिल गई। E5 की आपको लॉ की पोस्ट मिल गई, E5 6 में है नहीं कोई,
जिस जिस में पोस्टें हैं E5 और E6 के हिसाब से आप अलग अलग देख सकते हो, क्योंकि E5 और E6 का मैटर मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी आपके पास अगर 12 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप E5 में अप्लाई करोगे, 15 साल का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस 6 पर क्लिक करोगे E6 पर। ठीक है, एक्सपीरियंस वाइज आपको अपॉइंट किया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक्सपीरियंस 15 साल का है तो मैं फायर एंड सेफ्टी से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। ये जो आ रहा है जी, आपके डॉक्यूमेंट का साइज 200 के भी से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 200 के भी होना चाहिए, और आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 50 KB से कम में होनी चाहिए। और ये फॉर्मेट देख सकते हो, इन्होंने फॉर्मेट भी लिखा हुआ है भी आपका JPG में फोटो होनी चाहिए। आप जो जो डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूम की कॉपी मांगी हुई है, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, सब मेंशन कर रखा है सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर रिज्यूम इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आपका रिज्यूम होना चाहिए, वो भी 200 KB से कम में। ठीक है, ओके पर क्लिक करोगे, जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे ये आपको पोर्टल देखने को मिल जाएगा फायर एंड सेफ्टी। यहाँ पर सेंटर नेम तो नो ही करना है, और बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपका नेम, मिडल नेम और आपका एड्रेस सब कुछ आपने फिलअप करना है, क्योंकि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया आई होप सो भी उनको इतना तो पता ही है भी किसमें कितनी क्या चीज फिलअप करनी है, क्योंकि ग्रेजुएशन मोस्टली इंग्लिश में होती है। यहाँ पर अपनी डेट, मेल आईडी कंफर्म करनी है, मेल आईडी वेरीफाई करवानी है, अपनी डिटेल्स, डिग्री की, एक्सपीरियंस की, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल, कहाँ कहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है, और आपका यहाँ पर आपने रिज्यूम अपलोड करना है मेन, प्लीज अपलोड करेक्ट रिज्यूम एज अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, कांट बी चेंज लेटर, दोबारा आप चेंज नहीं कर पाओगे, 1 MB मैक्सिमम साइज होना चाहिए और डॉक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, और एक करेक्ट आपकी फोटो होनी चाहिए जो कि आप दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे, और 50 KB तक होनी कंपलसरी है। रीसाइज करना हो तो यहाँ से रीसाइज भी इनकी साइट से ही जाकर कर सकते हो, कैसे करना है वो आपको ये इन्होंने एक डेमो के तौर पर बता भी दिया है। ठीक है जी, सारे का सारा फॉर्मेट में बता दिया है मैंने आपको। इस चैनल पर भी पहले वीडियो बनाकर रीसाइज करनी, फोटो कम ज़्यादा साइज करना, विदाउट क्रैप किए हुए, विदाउट फॉर्मेट को ब्लर किए हुए, सारे के सारे आप रिड्यूस भी कर सकते हो, वो आपको ऑलरेडी वीडियो में इस चैनल पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर अपलोड वही चीज़ करनी है जो आप दोबारा नहीं करना चाहते हो, क्योंकि एक बार अपलोड हुआ डिलीट नहीं होगा। उसके बाद एग्री पर क्लिक करना है, एग्री पर क्लिक करते ही आपने आपको ऑप्शन देख जाएगा फॉर्म कन्फर्म, कन्फर्म करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई और इसमें करेक्शन का कुछ भी फंडा नहीं है, ये जरूर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल का आपका टाइम पीरियड रहने वाला है, यानी कि 1 साल की आपकी कॉन्ट्रैक्टशिप रहने वाली है। ठीक है जी, इसी इसी के साथ आपके साथ जाते जाते बता देते हैं, लास्ट इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी 15 मार्च है जी, 15 मार्च से पहले पहले आप अप्लाई कीजिएगा, अगर आप 15 मार्च के बाद करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसी तरह की अगर आप और भी अपडेट पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।